नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन के डे वन में हमको हर टीम की तरफ से रोमांचक बिडिंग देखने को मिली है, जहां पर कई खिलाड़ी काफी ज्यादा महंगे बिके हैं। इसके अलावा कई खिलाड़ियों को उम्मीद के मुताबिक प्राइस नहीं मिला है और उनको कम प्राइस में ही सेटल होना पड़ा है। इसके अलावा कई खिलाड़ी अनसोल्ड भी गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में कौन से वो टॉप 10 खिलाड़ी हैं जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा महंगे बिके हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है सभी आईपीएल 2022 के फैंस के लिए। वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स लिस्ट में जिस खिलाड़ी का नाम सबसे पहला निकल कर आता है वो है ईशान किशन का। और ईशान किशन के पीछे कई सारी टीमें आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में गई थी, लेकिन अंत में उनकी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में एक बार फिर से शामिल कर लिया है 15.25 करोड़ रुपीज में। तो ये इस तरीके से ईशान किशन जो है वो आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन के सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये अमाउंट ईशान किशन जस्टिफाई कर पाते हैं आईपीएल में या फिर नहीं। इसके बाद दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है दीपक चहर का, जिनको चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने एक बार फिर से शामिल कर लिया है 14 करोड़ में। जी हाँ दोस्तों, 14 करोड़ देखकर दीपक चहर को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने एक बार फिर से शामिल कर लिया है। और बहुत ही ज्यादा अच्छे गेंदबाज है, स्विंग गेंदबाज है, जो सीएसके के लिए हमेशा से शुरुआती ओवर्स में विकेट चटका के देते हैं। तो अब ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दीपक चहर 14 करोड़ को जस्टिफाई कर पाएंगे आईपीएल 2022 के सीजन में या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों, इस लिस्ट में जिसका तीसरा नाम आता है वो है श्रेयस अय्यर का। और श्रेयस अय्यर को यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपनी टीम में शामिल किया है 12.25 करोड़ में। और ये दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा एडिशन मुझे लगा है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बल्लेबाज चाहिए था जो कि उनको कप्तानी का भी ऑप्शन दे, और ये अब लगभग कंफर्म हो चुका है कि श्रेयस अय्यर ही कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो चौथा खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा महंगा रहा आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में वो है शार्दुल ठाकुर, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने शामिल किया है अपनी टीम में 10.75 करोड़ में। और दोस्तों, ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा बाय लगा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, क्योंकि शार्दुल ठाकुर हम सब जानते हैं इस समय इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में लाजवाब गेंदबाजी भी कर रहे हैं, इसके अलावा लोअर डाउन डी ऑर्डर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा एसेट मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए साबित हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस लिस्ट में जो पांचवा सबसे महंगा खिलाड़ी है रहा वो है हर्षल पटेल, जिनको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने एक बार फिर से शामिल किया है अपनी टीम में 10.75 करोड़ रुपीस में। और यहां पर मुझे लगता है कि हर्षल पटेल को थोड़ा सा ज्यादा प्राइस मिल सकता था, लेकिन आरसीबी की टीम लकी रही कि उनको कम प्राइस में यहां पर अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके अलावा दोस्तों, बात करें छठे प्लेयर की, तो जो छठा महंगा प्लेयर रहा वो है वानिंदु हसरंगा, और इनको भी आरसीबी की टीम ने एक बार फिर से अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है 10.75 करोड़ में। तो ये भी मुझे अच्छा एडिशन लगा है, क्योंकि वानिंदु हसरंगा इस समय श्रीलंका के वन ऑफ द मोस्ट जो है वो सक्सेसफुल प्लेयर हैं, किसी भी फॉर्मेट में अगर बात कर ली जाए तो काफी ज्यादा अच्छा एडिशन मुझे आरसीबी की टीम की तरफ से लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें इस लिस्ट में सातवें प्लेयर की, तो वो है निकोलस पूरन, जिनको सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने शामिल किया है 10.75 करोड़ में। और निकोलस पूरन का प्राइस मुझे थोड़ा सा शायद ज्यादा लग रहा था कि शायद ज्यादा जाएंगे और ज्यादा टीमें उनके पीछे जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हाल फिलहाल में उनका फॉर्म भी ज्यादा अच्छा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो इस लिस्ट में आठवां प्लेयर है वो है प्रसिद्ध कृष्णा, जिनको राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शामिल किया है 10 करोड़ में। और ये एडिशन भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा आरआर की टीम की तरफ से, क्योंकि जो अभी हाल में फॉर्म चल रही है प्रसिद्ध कृष्णा की वो भी लाजवाब है। इसके अलावा वो पहले केकेआर की टीम की तरफ से खेल चुके हैं, वहां पे भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो 10 करोड़ में प्रसिद्ध कृष्णा को लेना काफी ज्यादा अच्छा फैसला मुझे लगा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों, जो इस लिस्ट में नवा सबसे महंगा खिलाड़ी रहा वो है लॉकी फर्ग्यूसन, जिनको गुजरात टाइटंस की टीम ने शामिल किया है 10 करोड़ रुपीज में। और लॉकी फर्ग्यूसन ने केकेआर के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी करी है, और यहां पर मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस के लिए काफी अच्छा बाय ये साबित हो सकते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अपने प्राइस को लॉकी फर्ग्यूसन जस्टिफाई कर पाते हैं या फिर नहीं। वहीं पर दोस्तों, इस लिस्ट में जो 10वां और सबसे आखिरी खिलाड़ी है वो है केगिसो रबाडा, और इनको दोस्तों पंजाब किंग्स ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है 9.25 करोड़ में। और पंजाब किंग्स ऐसे ही किसी ओवरसीज फास्ट बॉलर की तलाश में थी जो कि एक्सपीरियंस्ड हो और जिसका बहुत अच्छा नाम हो वर्ल्ड क्रिकेट में। हालांकि केगिसो रबाडा की जो हाल में फॉर्म चल रही है ओडीआई या टी20 क्रिकेट में वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी एक प्रूवन मैच विनर है, तो यहां पर मुझे लगता है कि बेहतरीन विकल्प साबित होंगे पंजाब किंग्स के लिए।
दोस्तों ये रहे आईपीएल 2022 के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स। आपको क्या लगता है कि इनमें से किस प्लेयर को सबसे ज्यादा महंगा बिकना चाहिए था, और आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है, कौन सा प्लेयर अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।